भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है रामानुजन बायोग्राफी। आपको अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप हमारे इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन रामानुजन की बायोग्राफी देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में। उनका जन्म साउथ इंडिया में हुआ था, मद्रास में। उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी क्लर्क का काम करते थे एक साड़ी के शॉप में। उनकी माताजी हाउसवाइफ थी। उनके पिताजी का नाम कप्पू स्वामी श्रीनिवासा अयंगर था और उनके माताजी का नाम कोमला तम्मा था। रामानुजन को बचपन से ही मैथ्स में इतनी दिलचस्पी थी कि वो हमेशा मैथ्स ही सॉल्व करते रहते थे। उन्हें दूसरे सब्जेक्ट दिखते ही नहीं थे, वो दूसरे सब्जेक्ट में फेल होते थे। उनका मैथ्स इतना हार्ड था कि उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले मैथ्स के लिए। भले ही उनके तो दूसरे सब्जेक्ट इतने भी अच्छे ना हो, पर मैथ्स इज वेरी पावरफुल। मैथ्स के लिए इतनी दिलचस्पी उन्हें काम नहीं आई, क्योंकि जो भी वो कॉलेज में गए, मैथ्स में तो आउट ऑफ ही मार्क्स मिले उन्हें, पर दूसरे सब्जेक्ट में वो फेल हो गए, तो उन्हें कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना पड़ा। रामानुजन एक क्लर्क की जॉब करते थे पोस्ट ट्रस्ट ऑफिस में। उनका मैनेजर एसएन अय्यर ने उन्हें बहुत मदद की, उन्हें इंग्लैंड लेटर भेजने के लिए। जीएच हार्डी को लेटर लिख रहे थे, इंटरनेशनल लेटर, क्योंकि वो क्लर्क की जॉब कर ही रहे थे पर उन्हें मैथ्स में बहुत दिलचस्पी थी। वो मैथ्स पे रिसर्च करते रहते थे, जो भी रिसर्च करते थे वो इंटरनेशनल भेजते थे लेटर्स के द्वारा। पर उन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, तो टूटी फूटी इंग्लिश आती थी उन्हें। जितनी भी उन्हें इंग्लिश आती थी वो लेटर में लिखते थे और भेजते थे। पर एक दिन जीएच हार्डी ने उनका लेटर देखा, रामानुजन का लेटर हार्डी ने जैसे ही देखा उन्हें लगा ये तो बहुत जीनियस इंसान है। तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला जिनका नाम था जे ई लिटिल वुड, उन दोनों ने मिलके देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अभी इस इंसान को हमें इंग्लैंड बुलाना चाहिए। तो उन्होंने रामानुजन को कॉन्टेक्ट किया और उन्हें इंग्लैंड बुलाया। तो रामानुजन इंग्लैंड जाने के लिए निकल गए। तो रामानुजन इंग्लैंड 1914 में पहुंचे। हार्डी और रामानुजन ने दोनों ने मिलकर बहुत सारे रिसर्च पेपर बनाए मैथ्स के ऊपर। हार्डी और रामानुजन ने मिलकर एक नई मेथड निकाली थी, सर्कल मेथड। ये और रामानुजन ने दोनों ने एक फॉर्मूला बनाया था पी ब्रैकेट एन, जो बहुत रिमार्केबल था। रामानुजन ने 12 साल की उम्र में ही लोनीज बुक ऑन प्लेन ट्रिग्नोमेट्री एंड सिनोप्सिस ऑफ एलिमेंट्री कंप्लीट की थी, जो उनके स्टैंडर्ड से बहुत आगे के स्टैंडर्ड की बुक्स थे। तो इससे समझ में आता है कि वो कितने शार्प माइंडेड थे। तो हमें भी इतना ही शार्प माइंडेड बनना है। रामानुजन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस किया था। 1980 में वो पहले इंडियन थे जिसे फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी का अवार्ड मिला था। रामानुजन का 125th बर्थडे जो 2012 में हुआ था, से हम नेशनल मैथमेटिकल ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हम रामानुजन के बर्थडे पर हमेशा नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाते हैं। उनका बर्थडे 22 दिसंबर को आता है। हम हर साल इंडिया में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाते हैं। रामानुजन की डेथ 1920 में हुई थी, जब वो बस 32 ईयर्स के थे, पर उन्होंने 32 ईयर्स में बहुत कुछ कर दिखाया है। हमें अगर रामानुजन की तरह बनना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको मैथ्स में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम मैथ्स के रिलेटेड वीडियो हमेशा डालते रहेंगे।